वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, मतलब फीटल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, सो वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, प्रेगनेंसी को लेकर हर कोई कपल एंशियस रहता है, ठीक है, और जल्दी से प्रेगनेंसी को पता करने की उसकी चाह भी रहती है। तो ऐसे कपल जो कि टाइम से पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, यूजली तो हम लोग छठे वीक पर अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस देते हैं, लेकिन अगर टाइम से पहले अल्ट्रासाउंड करवाया और बाई चांस अगर बच्चे का जो दिल है वो कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले ही धड़कना स्टार्ट हुआ है और अगर अल्ट्रासाउंड उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही कम शो होती है अल्ट्रासाउंड में। ऐसी कंडीशन में बच्चे की हार्ट बीट अगर 60 से 90 बीट पर मिनट आ रही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपने प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड 6 वीक के अराउंड कराया तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 110 बीट पर मिनट से 160 बीट पर मिनट के बीच में होनी चाहिए। अगर हार्ट बीट 100 से नीचे है या 160 से ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मैलिटी है। अगर 100 से नीचे होती है तो उसको ब्राडीकार्डिया कहा जाता है, जिसके बहुत सारे रीज़न होते हैं होने के, और अगर 160 से ज़्यादा है तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है और इसके होने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे की हार्ट बीट है वो एक वयस्क के हार्ट बीट के समान ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बच्चे की हार्ट बीट है ना, वो वयस्क के हार्ट बीट से ज़्यादा होती है। सो जब प्रेगनेंसी और ज़्यादा ग्रो होती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये ख़त्म होते होते लगभग जो प्रेगनेंसी का 9वां वीक है या 10वां 11वां 12वां वीक, इस टाइम पर बच्चे की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है और 160, 170, 180, 190 तक हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसी कंडीशन में इस टाइम पर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो और बच्चे की हार्ट बीट अगर इतनी आई है तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कई बारी जो फीमेल्स हैं ना, वो हॉस्पिटल के एटमोसफेयर को देखकर भी घबरा जाती हैं, या तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे की हार्ट बीट पर पड़ता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो सही हार्ट बीट आएगी। अगर नहीं आती है तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, ठीक है। फिर जब प्रेगनेंसी और ज़्यादा ग्रो होती है और जो प्रेगनेंसी का 4th, 5th, 6th मंथ होता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बच्चे की हार्ट बीट 140 बीट पर मिनट के एवरेज ही रहती है, ठीक है, आसपास ही रहती है, और वहीं बच्चे की हार्ट बीट 120 बीट पर मिनट से 160 बीट पर मिनट होनी चाहिए। अगर बच्चे की हार्ट बीट 110 बीट पर मिनट से कम है तो उसको ब्राडीकार्डिया कहते हैं, 160 से ज़्यादा है तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। फिर जब प्रेगनेंसी और ज़्यादा ग्रो होती है और प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, मतलब प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें मंथ में बच्चे की जो हार्ट बीट है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, फिर जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 130 बीट पर मिनट के आसपास ही रहती है, एवरेज ही रहती है। वहीं अगर बच्चे की हार्ट बीट 110 बीट पर मिनट से कम है तो उसको ब्राडीकार्डिया, 160 से ज़्यादा है तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। और दोनों ही कंडीशन में बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं अगर बच्चे की कंटिन्यूसली हार्ट बीट कम है या ज़्यादा है। तो गाइज, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।